हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज हम बनाएंगे बच्ची इडली से इतना टेस्टी नाश्ता, आपने शायद पहले कभी नहीं बनाया होगा। और आपने मेरा चैनल पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे मेरी नई रेसिपी की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। आइए शुरू करते हैं। इसके लिए हमने लिए ये 5-6 इडली ली थी मैंने ली है मैंने और इनको हमने इस तरीके से बारीक क्रश कर लिया है। ये पहले हम गैस ऑन कर देते हैं और इसमें तेल डाल देते हैं सबसे पहले, इतने हमारे पैन गर्म तो भी हो जाएगा। 7-8 इडली के लिए मैंने 2 बड़ी चम्मच तेल लिया है। देखिए इस तरीके से ये तेल लिया है मैंने 2 चम्मच। इतने पैन गर्म होता है बताती हूँ। इसके लिए मैंने 7-8 इडली ली है, उसको इस तरह से बारीक क्रश कर लिया। देखिए ये चक्कू से नहीं करना है हमको, वरना वो फ्लेवर नहीं आएगा। ये हमने बारीक कर लिया इसको। देखिए ये 7-8 इडली लिए हैं, तो ये हमारा ऑयल गर्म हो चुका है। देखिए अब हम इसमें डालेंगे, सबसे पहले राई डाल देंगे। आधी चम्मच हमने राई लिए और चौथाई चम्मच हमने यही लिए हैं। इसके बाद हम इसमें हरी मिर्ची डाल देंगे, 1 कटी हरी मिर्च थी हमारी, छोटा सा अदरक का पेस्ट और ये कड़ी पत्ता लिया है हमने, इस सबसे डाल देंगे। उसके बाद हम इसमें हमने एक आलू लिया है, इसको हमने बारीक काट दिया था, इसको इसमें डाल देंगे। मैंने कच्चा आलू लिया है, आपके पास बॉयल है तो वो भी ले सकते हैं। फ्रेंड्स देखिए, अब ये आलू हमारे ब्राउन कलर के हो गए और हम देखेंगे तो ये सीज भी चुके हैं। ये सीज चुके हमारे आलू, ये हमारे आलू तल के तैयार हो गए। और हम इसमें डालेंगे 1 कटा हुआ टमाटर, और आप जो भी सब्जी इसमें डालना चाहें वो डाल सकते हैं, और जो भी नहीं डालें उसको नहीं डालेंगे। अब हमारे टमाटर भी फ्राई हो चुके हैं ऑलरेडी। देखिए बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करनी हमको टमाटर को, वो टेस्ट नहीं आएगा नहीं। और हम इसमें डालेंगे इडली जो हमने क्रैश कर रखी थी। देखिए बारीक करिए, हमें मोटा नहीं रखना है हमको इसे, वरना हमारा अच्छा टेस्ट नहीं आएगा। हम इसमें डालेंगे नमक, 1/2 चम्मच हमने नमक डालेंगे। नमक हम कम ही डालेंगे क्योंकि हमारी इडली में ऑलरेडी पहले से नमक डला हुआ था। ये देखिए डल गया। बहुत कम मसाले डलते हैं इसमें और बहुत जल्दी बनता है, 5 मिनट में हमारी रेसिपी तैयार हो जाती है। आप एक बार खाएंगे ना इसे तो फिर हमेशा इडली ज़्यादा बनाएंगे कि हमको दोबारा फ्राई करके खानी है, ये सोच के आप हमेशा इसको ज़रूर ज़्यादा बनाएंगे, ये मुझे पक्का यकीन है। अब हम इसमें डालेंगे चाट मसाला। ये देखिए 1/2 चम्मच चाट मसाला डाला है हमने, और ये हमारी रेसिपी तैयार हो चुकी है। ये अब हम इसमें कटा हुआ नींबू डाल देंगे, 1/2 नींबू डाल दिया हमने। आप इसको सौंठ चटनी के साथ भी खा सकते हैं, वरना ऐसे भी खा सकते हैं, वैसे भी बहुत टेस्टी लगती है। अब हम इसमें डालेंगे कटा हुआ हरा धनिया। देखिए ये हमारी रेसिपी तैयार है। यदि आपको ये मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो शेयर और लाइक करना न भूलें। थैंक यू, मिलते हैं।